सर्दियों में ऐसे कई तरह के आहार हैं जो आपके शरीर को गर्मी पहुंचाते ही है, साथ ही शरीर को जरूरी पोषण भी प्रदान करते हैं। इस वीडियो में देखें कि ऐसे कौन से आहार हैं जो आपके शरीर और आत्मा दोनों के लिए आवश्यक है। एक, गाजर। गाजर में बीटा कैरोटीन अधिक मात्रा में होता है जो विटामिन ए में बदल जाता है। यह आपकी बीमारियों से बचाता है और फेफड़े को स्वस्थ रखता है तथा यह आपकी नेत्र ज्योति को भी बढ़ाता है। दो, फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, साथ ही इसमें फाइबर बहुत अधिक मात्रा में होता है जो पाचन बढ़ाने में मदद करता है। यह त्वचा के लिए भी बहुत अच्छा होता है। 3, लहसुन। कहा जाता है कि 2 से 3 लहसुन की कलियां हेल्थ सप्लीमेंट की तरह लेनी चाहिए। लहसुन खांसी और जुकाम से लड़ता है और इसे दूर भी रखता है तथा यह आपके हार्ट को भी मजबूत करता है। 4, दही। घर के बने दही में प्रोबायोटिक होता है जो आपके पेट को यानी पाचन प्रक्रिया को दुरुस्त रखते हैं। दही ब्रेकफास्ट में ले या लंच में ले, दोनों ही तरह से लेना आपके लिए फायदेमंद होता है। याद रखें, रात को दही ना खाएं। 5, सौंफ। सौंफ आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, साथ ही विटामिन सी से भरपूर होती है। इसे कच्चा खाया जा सकता है या अपने खाने की रेसिपी में भी लिया जा सकता है। 6, संतरे या किनू। संतरे या किनू में विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में होता है। यह आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और स्किन को भी ग्लो देता है। 7, गुड़। आपको याद है कि आपके बड़े बूढ़े खाने के बाद अक्सर गुड़ खाया करते थे। गुड़ खाने से कब्ज और अपच नहीं होता, साथ ही यह आपके लीवर को दुरुस्त रखता है और फ्लू से भी दूर रखता है। 8, चुकंदर। चुकंदर में फाइटोकेमिकल और एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो आपको इम्यून सिस्टम को मजबूत रखते हैं और यह फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं। इसे आप पैक करके या स्टीम करके या कच्चा भी सलाद में भी खाया जा सकता है। 9, अंडे। अंडों में प्रोटीन, विटामिन ए, बी और डी और जिंक से भरपूर होते हैं। प्रोटीन आपके इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने में मदद करता है। बॉडी प्रोटीन को ईंधन की तरह इस्तेमाल करता है और एंटीबॉडी बनाता है जो आपको इन्फेक्शन से बचाता है। और 10, डार्क चॉकलेट। कोको बेस्ड डार्क चॉकलेट एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक का प्राकृतिक स्रोत है। डार्क चॉकलेट से आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है, लेकिन याद रखें कि आपको ज्यादा चॉकलेट भी नहीं खानी है, इससे आपके दांतों को नुकसान हो सकता है। धन्यवाद।